हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो लास्ट क्लास में बेटा जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो कुछ टर्म्स पढ़ी थी, मैं उन टर्म्स की बात फिर से कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। क्या क्या टर्म्स पढ़ी थी सर? हम लोगों ने मेनली जो टर्म्स पढ़ी थी वो दो पढ़ी थी, कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी। ये बहुत बार यूज होंगी आप लोग। रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है, आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हो। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। चलो कंडक्टेंस बेटा आप लोगों को पता था, जी से डिनोट करते थे, और ये उल्टा होती थी किसका? रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल होती। रेजिस्टेंस किसके बराबर होता था? वी अपॉन आई के बराबर होता, आप लोग पढ़ के। और कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी कि कंडक्टिविटी जिसको मैं कापा से डिनोट कर रहा था, जी इंटू जी स्टार। बेटा जो कंडक्टिविटी है ना, इस कंडक्टिविटी को हम लोगों ने बताया था एक वर्ड से और बोलते हैं, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टर। मतलब मैं इसको कंडक्टेंस कह सकता हूँ, और इसको कंडक्टेंस किसके लिए कहूँगा? जब मेरे पास 1 ml का कोई सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन के समय जो आप लोगों की कंडक्टिविटी होगी उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी ध्यान रखना, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, ये कंडक्टेंस है किसकी? 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन की आप लोगों के पास क्या है? कंडक्टेंस है। ध्यान रखना इस बात को, कंडक्टिविटी इज या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या बोलेंगे? 1 ml सॉल्यूशन के जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम लोग कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है और वो है हमारा बेटा मोलर कंडक्टिविटी। यहां से बेटा एक न्यूमेरिकल 100% आप लोगों के एग्जाम में आना है। मैं अभी जो दो टर्म करा रहा हूँ और इनका यूज बेटा आप लोग अभी देखोगे कहाँ पर यूज होना है, तो ये आप लोगों के बेसिक थी, अभी इनमें ध्यान से समझना। मोलर कंडक्टिविटी ध्यान से समझिए। मान लो मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक कंटेनर के अंदर भरा, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो एम मोल। कितनी मोलरिटी है बेटा? तो एम मोलरिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग मान के चलो कि उसके अंदर कितने मोल होंगे, जो भी मोल हो। मान लो मैं इसका सॉल्यूशन मान लेता हूँ 1 molar की मान, तो इसके अंदर कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 1। तो अगर उसके अंदर 1 mole इलेक्ट्रोलाइटिक का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उस समय इसकी जो कंडक्टेंस होगी, द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 molar या उसके अंदर 1 mole इलेक्ट्रोलाइट भरा, ठीक है, तो उस समय जो कंडक्टेंस होगी वो आप लोगों की कौन सी कंडक्टेंस कहलाएगी? मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेटा अब आप लोग जरा देखिए, आप लोगों को मोलरिटी का फॉर्मूला याद होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आप लोगों को मोलरिटी का पता है, मोल्स कितने पता है आप लोगों को? 1 mole पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आप लोग यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कितना आएगा? 1 upon m। m यहां पर क्या है बेटा जी? मोलरिटी। अब ये आप लोगों का जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में है, किसमें बेटा? तो मैं इसको अगर ml में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो vs या vml लिख लेता हूं। कितने लिखेंगे बेटा? 1000 अपॉन लीटर को आप लोग ml में कन्वर्ट करना चाहते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर। तो ये आप लोगों के पास वॉल्यूम आया है, क्लियर आप लोगों? तो ये आप लोगों के पास वॉल्यूम आ गया इस सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास? 1000। तो आप लोगों को पता है कि 1 ml, 1 ml जब 1 ml आप लोगों के पास सॉल्यूशन था तो उसकी जो कंडक्टेंस थी उसको हम लोग को क्या कहा? कापा। तो अब मेरे पास वॉल्यूम कितना है? 1000 upon m। तो इसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कापा इंटू 1000 upon m। m हेयर यहाँ पर क्या है बेटा? मोलरिटी। और बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा जी? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई? कापा इंटू 1000 upon mole। m का मतलब बताएं तुम लोग क्या होता है? मोलरिटी। क्लियर आप लोगों को? तो जो मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, तो अब लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? कोई आप लोगों से पूछे तो क्या कहोगे? कापा इंटू 1000 upon molarity। डिफाइन कैसे करोगे कि सर जब 1 mole इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास गिवन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन की उस समय जो कंडक्टेंस होगी वो आप लोगों की कंडक्टेंस ना बोलकर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000 upon molarity।
सभी को समझ में ध्यान रखना है। तो मैं एक फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ मोलर कंडक्टिविटी का, दैट इज कापा इंटू 1000 अपॉन मोलर। क्लियर है? अभी सिमिलरली आप लोगों के पास एक टर्म और यूज होगी, और वो कौन सी होगी जरा उसको भी देख लीजिएगा। उसको भी देख लीजिएगा क्या टर्म यूज हो। नेक्स्ट है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो लैम्बडा इक्विवेलेंट, इसको बेटा हम इससे डिनोट करेंगे। क्लियर? वही बात, मेरे पास फिर से एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आप लोगों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्यूट है, और आप लोगों की जो ये सॉल्यूशन है इसकी नॉर्मलिटी जीवन, ठीक है, मैं कहता हूं 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन है। तो फिर से आप लोग क्या निकालोगे बेटा जी बताना, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी आप लोगों को पता है, ग्राम इक्विवेलेंट 1 दिया हुआ है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? पर लीटर में आएगा, 1 अपॉन में क्या लिख दूं नॉर्मलिटी, मैं ग्राम इक्विवेलेंट 1 दे रखा है, नॉर्मलिटी नीचे आ जाएगा। ml में कन्वर्ट करोगे तो किससे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अब 1 ml के लिए आप लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, कापा बोलते थे, तो 1000 अपॉन n के लिए क्या बोलोगे, कापा इंटू 1000 अपॉन n। तो एक 1000 अपॉन n वॉल्यूम सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टेंस बेटा आप लोगों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नॉट। सभी को समझ में क्या कहलाएगी बेटा आप लोगों की नॉट, ठीक है। तो अभी एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया है, दैट इज कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। और आप लोग अभी पढ़ के आए हो, नॉर्मलिटी जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, अल्फा इंटू मोलरिटी। और अल्फा आप लोगों को पता है यहाँ पर कौन हो सकते हैं, एन फैक्टर्स हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, बेसिसिटी हो सकती है, अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो तो उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो ये आप लोगों के पास 2 कंसंट्रेशन टर्म थी, एक मोलर कंडक्टिविटी, दूसरी इक्विवेलेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों के साथ इनकी यूनिट्स, ठीक है बेटा, दोनों की यूनिट की क्या क्या बात है। बेटा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताना क्या होगा जी, 1000 इंटू कापा अपॉन मोलरिटी। तो कापा की वैल्यू कितनी है बेटा जरा बताना मुझे, या कापा की यूनिट क्या होती है, सीमन पर सेंटीमीटर। मोलरिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर, लेकिन ml में यूज कर रहे हैं तो मोल पर ml, वॉल्यूम हम मोलरिटी के अंदर ml में यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है 1 ml कितने के बराबर होता है, 1 cm³। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो सीमन पर सेंटीमीटर ऊपर क्या चला जाएगा बेटा, मोल इनवर्स और ml, और ml को क्या लिख दूं, चलो ml ही लिख देता हूं पहले, फिर क्या लिखेंगे, सीमन पर सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, और उसके बाद इसको क्या लिख लूं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। तो बचा क्या, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसकी यूनिट आ गई बेटा जी आप लोगों, मोलर कंडक्टिविटी। अभी मैं दूसरी बात कर लेता हूँ और वो आएगी बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हम लोग क्या बात करते हैं जरा देखिए, आप लोगों के पास उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर ml। ऊपर चला जाएगा तो सीमन, सीधा लिख देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये आपको पास से क्या आ जाएगी, सभी को समझ में है? तो ये मेरे पास 2 छोटी छोटी चीजें थी आप लोगों को, अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा।
सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग सिर्फ इन दो कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे ढंग से पढ़िए। ये आप लोगों के पास फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ये मान के चलिए 100% या मैं 99.9% कह दूँ तो एक न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना, यहाँ से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी को ये आप लोगों को ध्यान होने चाहिए सारे फॉर्मूला और साथ में साथ इनकी यूनिट क्लियर है। रटने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को ड्राइव करने आना चाहिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट डे।